वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी ग्रामर। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको हिंदी ग्रामर में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में ट्रिक के साथ एक्सप्लेन करेंगे। और देखिएगा, आपको 1% मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक कहानी के जरिए पूरा का पूरा ये डेटा आप याद कर सकते हैं जितना यहाँ पे लिखे हैं। पहला हमारा टॉपिक है उपसर्ग। जो उपसर्ग है ये क्या होता है, तो यहाँ समझिएगा उपसर्ग क्या होता है, यानी कि यह एक ऐसा शब्दांश है। शब्दांश का मतलब क्या होता है, ये जो यहाँ हम लिखे हैं शब्दांश, यानी कि जो भी शब्द लिखा जाता है उसका एक छोटा सा अंश को शब्दांश बोलते हैं। यानी कि शब्द एक बड़ा होता है, उसका छोटा सा एक ऐसा अंत है, यही छोटा वर्ड किसी भी शब्द के अगर पहले लग जाएगा तो उसके अर्थ को बदल देगा। जैसे मान लो कि हम हार गए, तो हार एक शब्द है, ठीक है, इसमें एक छोटा सा शब्द का टुकड़ा लगेगा आ, तो ये बन जाएगा आहार। ठीक है, क्या बन जाएगा, आहार। यहां देख सकते हैं, यहां हार में एक शब्दांश लगा तो उसका अर्थ बदल गया, हार का हो गया आहार। आहार जो भोजन होता है, ठीक है। तो बताइए, शब्द के पहले लग करके अगर अर्थ को बदल दे उसी को हम लोग कहते हैं उपसर्ग, यानी कि प्रेफिक्स। आप प्रेफिक्स और सफिक्स पढ़े होंगे, उपसर्ग और पढ़ते हैं, तो अभी तो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे उपसर्ग। यहाँ देखिए, हार में अगर सम लगा दे तो संहार हो जाएगा, ठीक है। हार में अगर वी लगा दे तो विहार, यानी जहाँ घूमा जाता है, विजिट किया जाता है। हार में अगर प्र लगा दे तो प्रहार हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये छोटा सा अंश, शब्दों का ही छोटा सा अंश अगर किसी शब्द में जुड़ रहा है, ठीक है, तो उसके अर्थ को बदल दे रहा है, इसी छोटे शब्द को हम लोग उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। यहां देखिए कुछ लिखवाए हैं, यहां पे देखिए, अब यही शब्द तो उपसर्ग हैं। ये उपसर्ग कितने होते हैं, तो हिंदी में 22 यानी 22 गो उपसर्ग होते हैं, ठीक है, आप याद रखिएगा। तो देखिए, आप जब कभी व्याकरण के बुक में देखिएगा तो इधर उधर लिखा रहता है, तो 10 को याद करेंगे, फिर बाद में 10 के बाद और अगर 12 याद करने के नीचे कोशिश करेंगे तब तक 10 वाला ऊपर वाला गायब हो जाता है, ठीक है। ये देखिए कुछ तरीका हम सजा करके लिखे हैं कैसे याद करेंगे। यहाँ लिखा है अति अधि अपि, अभी ये याद कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए। अति, ज्यादा अति मत करो, ठीक है, ती। और तथा चार नंबर पर क्या आता है, ध आता है, त थ द ध, तो अति के बाद अधि, ठीक है। कितना नंबर पे आया है, चार नंबर पे ध आया है, बस त के जगह पे खाली ध कर दिए हैं। उसके बाद से अपि, इसके चार नंबर पे भ आता है, प फ ब भ, प के चार नंबर पे भ, तो अभि। यहाँ देखिए अति अधि अपि अभि, ठीक है। अभि बुलाया जा रहा है एक लड़की को जिसका नाम है अनु, तो अति अधि अपि अभि अनु आ, अनु को बुलाया गया आ। अब यहां से उप, अप, उप लिखा है यहां पे, आ उप के बाद बस इसमें उ में एक ऐसे खाली खींच देगा तो अ हो जाएगा, तो वही चीज यहां पे उ से अ हो गया है, प वही है। उप अप उत उद, यहां देखिए ये कैसे याद करेंगे, ध्यान से देखिएगा, दू आ फिर इसमें दू, ये हो गया खाली, इसमें अगर पहला वाला हो गया, इसमें दू में लगा दीजिए र, खाली इसमें र बढ़ा है, इसी दू में र में और थोड़ा सा बढ़ा दिए तो स, यानी दू दूर, इसी में बढ़ दिए दुस, दू दूर दुस नी, फिर इसमें क्या बढ़ा था, र और स बढ़ा था ना, तो इसमें भी र और स बढ़ेगा, नी नीर निस, ठीक है, यानी उत उद दू दूर दुस नी नीर निस। यहां देखिए परा, पहले क्या लिखे हम यहां पे, परा, कैसे याद करें, परा, अब री कर दीजिए, परी परा परी, ठीक है। उसके बाद से प्र, फिर इसी के बाद से प्र भी रहेगा लेकिन ती रहेगा, प्रति। देखिएगा सब एक ही जैसा दिख रहा है, यानी सज रहा है, परा परी प्र प्रति, और लास्ट में आपको ये तीन याद करना पड़ेगा, विशु विशु और सम, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा 22 कंप्लीट हो गया। अलग अलग हिसाब से इसमें आप जोड़िएगा तो इसमें का दूगो इसमें भी है, दूगो एक्स्ट्रा इसमें भी है, हो जाएगा पूरा का पूरा 22 को। तो आप याद कैसे करेंगे, देखिए, अति अधि अपि अभि अनु आ, उप अप उत उद दूर दू दूर दुस नी नीर निस, ठीक है, परा परी प्र प्रति, ठीक है, और विशु सम। ये सब क्या है आखिर, ये सब चीज शब्द के पहले लगता है और उसके अर्थ को बदल दे उसे हम लोग कहते हैं उपसर्ग। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहेगा, दे देगा प्रहार,
प्रहार में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो देखिए, तो इसमें पहला शब्द को उपसर्ग कहते हैं, प्र कहीं है, यानी सही में ये उपसर्ग लगा है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिख दें हम प्रतिदिन, ठीक है, तो जब प्रतिदिन लिखाएगा तो यहाँ पे प्रतिदिन में प्रति इसमें कहीं है, तो पूछा जाएगा कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति इसमें उपसर्ग है। ऑप्शन में रहेगा प्र उपसर्ग है कि प्रति उपसर्ग है, ठीक है, ऐसे रहेगा। तो देखिए यहाँ प्र भी एक उपसर्ग है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, प्रति दिन यहाँ लिखा है ना, तो प्र भी एक उपसर्ग है और प्रति भी एक उपसर्ग है, तो इसमें दोनों में होगा कौन, तो अभी आपको बता दें इन दोनों में होगा प्रति, क्योंकि प्रति के बाद से दिन, और दिन का अर्थ होता है, ठीक है, तो किसी शब्द में, शब्द का मतलब वही शब्द होना चाहिए जिसका कुछ अर्थ हो, इसमें आगे जुटा है प्रति। ऐसा तो नहीं है कि तिदिन कोई शब्द हो और इसमें प्र जुटा हो तो प्रतिदिन हो गया है, तिदिन कोई शब्द मूल शब्द होता ही नहीं है, दिन होता है, तो दिन में क्या जुटा है, दिन में जुटा है प्रति, इसीलिए ये प्रतिदिन हो गया है। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको समझ में आया होगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अति अधि अपि अभि अनु आ उत उद, ठीक है, उत उद अप उप दु दुर दुस नी निर निस, उसके बाद से परा परि प्र प्रति और विशु शम, ये पूरा का पूरा 22 याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगर ये समझ लीजिएगा तो इसके बाद समास समझने में बहुत ही मजा आएगा, और ट्रिक के साथ फिर हम लोग समास देखेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग समास क्या होता है, और समास के बारे में डीपली देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, एक शब्द दे देगा, पूछेगा नीलकंठ कौन सा समास है, तो आप समास के सभी भेदों के बारे में सही से समझिएगा, डीपली ध्यान से गौर से। देखिए पहले जानिए समास होता क्या है, समास किसे कहते हैं। देखिए समास जब दो या दो से अधिक शब्द या दो वो शब्द है, अपना बीच में एक शब्द रहता है, उसको अगर हटा करके ये दोनों आपस में मिल जाता है, यानी बीच में जो दीवाल घेरा रहता है इसको हटा करके और ये दोनों एक में मिल जाए, इसे ही समास कहते हैं। जैसे कि राजा की कन्या, अगर हम यहाँ लिख दें राजा की कन्या, तो यहाँ देखिए दो ठो शब्द हैं, जब दो या दो से अधिक शब्द अपनी विभक्ति को छोड़ के, ये विभक्ति को छोड़ के आपस में मिल जाता है तो बनेगा ये राजकन्या, क्या बनेगा, राजकन्या, तो इसे ही समास कहते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्द अपनी विभक्ति को छोड़ के आपस में मिल जाते हैं तो जो शब्द बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समास। ठीक है, अब ये राजकन्या कौन सा समास है, अब समास में भी कई प्रकार का समास होता है, ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अलग अलग प्रकार का समास कौन कौन होता है। देखिए बोले जानिए समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं, ये आप याद कर लीजिए, समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है द्विगु समास, और छठा है कर्मधारय समास। अगर इसके एक एक के बारे में एक्सप्लेन किया जाए तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, आपको शॉर्ट ट्रिक और मेथड के अनुसार पढ़ना है तो सही से पढ़िए। देखिए अव्ययी भाव समास क्या है, तो ऐसा शब्द, शब्द ना है जी, ठीक है, ऐसा शब्द जिसका पहला पद मेन हो, प्रधान हो, मेन समझते हैं ना, प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे राजकन्या, तो अगर पहला वाला ही अगर मेन है तो जिसका पहला पद मेन हो यानी फर्स्ट वाला, उसे क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास। जिसका दूसरा पद मेन हो उसे तत्पुरुष समास, यानी शब्द को लिखा है तो लास्ट वाला शब्द क्या होगा, मेन होगा। यानी कि एक में पहला पद क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए, और दूसरा में तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होना चाहिए, और इसमें दोनों पद प्रधान हो, ठीक है। यानी कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो जिसका दोनों पद मेन हो, जैसे हम बोले दिन और रात, तो दिन रात क्या है, दिन का वैल्यू जितना है उतना ही रात का वैल्यू है, माता पिता, माता का जितना वैल्यू है पिता का वैल्यू है, ठीक है, नून रोटी, नून रोटी नहीं दाल रोटी, जैसे नून रोटी कभी कभी, तो नून रोटी भी हो जाएगा, मान लीजिए कि रोटी है तो उसमें नमक डालेगी तो उसका भी वैल्यू उतना ही है, दाल रोटी हो जाएगा, ठीक है, भाई बहन, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाई बहन में दोनों क्या है, प्रधान है, भाई का जितना वैल्यू है उतना क्या है, बहन का वैल्यू, तो दोनों पद मेन लग रहा है, तो इसे द्वंद्व समास कहते हैं। और द्वंद्व का मतलब जिसका दोनों अंग क्या हो, बराबर हो, समान हो, समान का मतलब क्या, वैल्यू बराबर हो, उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। शुरू से थोड़ा सा जानते हैं अव्ययी भाव समास, अगर ये पहचान में नहीं है, क्योंकि इसका एग्जांपल थोड़ा उटपटांग होता है, जैसे यहाँ लिखा है आ जन्म, तो आ जन्म में यहाँ आ प्रधान है, आ जन्म का मतलब होता है जन्म से लेकर, क्या होता है, जन्म से लेकर, ठीक है, लोग कहते हैं ना कि तुमको हम आ जन्म और आ मरण चाहेंगे,
तो इसका मतलब क्या हुआ, आमरण यानी जब तक मरेंगे उस समय तक, जब से मेरा जन्म है तब से हम तुमको चाहेंगे, यानी जन्म से लेकर। तो यहाँ प्रधान जन्म से लेकर में आग से ही होता है। खाली जन्म का मतलब हो गया जन्म ले रहे हैं, लेकिन आ जन्म का मतलब क्या हुआ कि जन्म से लेकर, यानी प्रधान इसके वजह से सब बदल जा रहा है। इसलिए क्या कहेंगे कि इसका पहला पद प्रधान है। उपनयन में नयन है, आँख को कहते हैं। आँख का क्या अर्थ होता है, बस यही आँख है, लेकिन उप लग गया तो उपनयन इसका अर्थ बदल गया। आमरण यानी मरने तक प्रतिदिन, देखिए दिन तो ठीक है लेकिन प्रति अगर आगे लग गया पहला पद, यानी रोज रोज प्रतिदिन, ठीक है। एक और इसका तरीका है पहचानने का, अगर इसके पहले जो है पहला अक्षर प्रधान होता है ना वही भाव में, तो इसके पहले वाले अक्षर क्या हो, उपसर्ग हो। और उपसर्ग हम अभी पढ़ाए हैं कि उपसर्ग क्या होता है, इसमें आ आता है, देखिएगा, अति अधि अपि अभि अनु आ, ठीक है। तो इसमें आ आता है उपसर्ग में, ये भी आता है, ये भी आ आता है, प्रति भी एक उपसर्ग है। तो जो भी यहाँ आगे शब्द लगेगा वो कौन सा शब्द लगेगा, उपसर्ग लगेगा। तो समझिएगा वो क्या है, अव्ययी भाव समास है। तत्पुरुष समास क्या है, तो जिसका दूसरा पद प्रधान हो, जैसे लिखा है राजा राजकन्या, तो राजकन्या में बाबू राज प्रधान नहीं है, आपको लग रहा होगा कि राज प्रधान है तो गलत सोच रहे हैं। राजकन्या किसको बोलते हैं, कोई लड़की है राजा की जो कन्या है उसी को राजकन्या। तो बताइए यहाँ लिखते हैं राजा की कन्या, ये चीज लिखते हैं आप राजा की कन्या, तो किसको बुलाते हैं, हम बोले कि राजकन्या को बुला के लाओ, तो आप किसको बुलाते हैं, कन्या को बुला के लाते हैं कि राजा राज को बुला के लाते हैं, राजा को बुला के लाते हैं कि कन्या को। राजकन्या का मतलब होता है, यहाँ पे समझिएगा, राजकन्या, हम आपसे बोले कि राजकन्या को बुला के लाओ, तो क्या कीजिएगा, राजा को बुलाइएगी कन्या को बुलाइएगा, क्योंकि कन्या को बुलाइएगा, इसीलिए यहाँ पे सेकेंड वाला पद मेन है, इसीलिए राज कन्या हो जाएगा। यहाँ देखिए राष्ट्रपति, अगर यहाँ बोले राष्ट्रपति तो यहाँ हो जाता है राष्ट्र का पति, ये विग्रह हुआ है, ठीक है, ये समास है, और समास को जब तोड़ दिया जाता है तो ये विग्रह हो जाता है, और फिर इसमें से ये बीच से हटाया जाएगा तो ये राष्ट्रपति एक में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो यहाँ समझिएगा राष्ट्र का पति, यानी कि हम बोले कि राष्ट्रपति को बुला के लाओ, तो आप पूरा का पूरा राष्ट्र उठा के नहीं लाते हैं, वहाँ पति, पति यानी मालिक समझिएगा इससे, यानी उसका जो राष्ट्र का उस समय मालिक होता है उसको बुला के लाते हैं आप, यानी कि यहाँ पे दूसरा पद प्रधान है। तो जिसका पहला पद प्रधान हो उसे बोलते हैं अव्ययी भाव, और जिसका दूसरा पद प्रधान हो उसे बोलते हैं हम लोग तत्पुरुष समास। अब देखिए द्वंद्व समास अभी बताएं, जिसका दोनों पद प्रधान हो, जैसे माता पिता, भाई बहन, दाल रोटी, नून रोटी, जो समझिए, लड़का लड़की, ठीक है, छोरा छोरी, जो समझ में आए आपको समझ लीजिएगा। अगला देखिए बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या है, ऐसा समास, ठीक है, ऐसा शब्द एक समझिएगा जिसको बोलने के बाद वो उस वर्ड का अर्थ ही नहीं निकले, कोई दूसरा अर्थ हो जाए। जैसे लोग कहते हैं लंबोदर, तो लंबोदर का मतलब जिसका लंबा पेट हो उसे लंबोदर कहते हैं, लेकिन उसका एक रियल अर्थ होता है गणेश भगवान को लंबोदर बोला जाता है। यहां देखिए लंबोदर ल से शुरू है, लेकिन इसका अर्थ क्या निकल रहा है, दूसरा अर्थ निकल रहा है, गणेश अर्थ निकल रहा है, यानी कि ऐसा शब्द जिसको बोलने के बाद अपना अर्थ नहीं होता है, कोई दूसरा ही अर्थ निकल जाए, यानी एक शब्द का बहुत सारा अर्थ हो जाए, उसे हम लोग कहेंगे बहुव्रीहि। जैसे हम बोले चंद्रशेखर, तो पता है चंद्रशेखर किसको कहा जाए, भगवान शंकर को। चंद्रशेखर का मतलब होता है जिसके शिखर पर यानी माथे पर चंद्र हो, उसे क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर, और उसका अर्थ होता है शिव, भगवान शिव जो है वो बोला जाता है। अब हमको बताइए चंद्रशेखर तो च से शुरू हुआ है, लेकिन इसका अर्थ डायरेक्ट शिव निकल रहा है, बताइए शब्द दूसरा है और अर्थ दूसरा निकल रहा है, तो वही बात है बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, शब्द को बोलने के बाद कोई दूसरा अर्थ निकले, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, बहुव्रीहि समास। जैसे वीरापाणी, ये किसको बोलते हैं, तो माँ सरस्वती को वीरापाणी बोलते हैं, ठीक है, तो लोग कहते हैं वीरापाणी की जय, जयकारा वगैरह लगाते हैं, ठीक है। हंसवाहनी, तो हंसवाहनी किसको बोलते हैं, जो हंस पे सवार हो, ठीक है, हंस जिसका वाहन हो, ठीक है, उसे हंसवाहनी कहते हैं। तो हंसवाहनी का मतलब क्या होता है, सरस्वती, तो जब सरस्वती होता है हम वीरापाणी बोल रहे हैं तो इसका अर्थ दूसरा निकल रहा है। तो ऐसा शब्द बोला तो सटीक जाए लेकिन उसका अर्थ कुछ दूसरा हो, अपना अर्थ नहीं होता है, वीरापाणी का कोई अपना अर्थ नहीं है, कुछ दूसरा अर्थ है। अर्थ क्या है, वीरापाणी का मतलब सरस्वती, तो उसे बोलेंगे बहुव्रीहि समास। अब है द्विगु समास क्या है, देखिए इन दोनों में आप डाउट मत रखिएगा, द्वंद्व माने दोनों प्रधान, और द्विगु समास किसे कहते हैं, तो ऐसा समास या ऐसा समासिक एक शब्द, ठीक है, जिसमें संख्यावाचक हो,
यानी संख्या, जैसे द्वि है ना, तो द्विगु मतलब लग रहा है ना कि दू गो, ऐसा लग रहा है कि द्विगो, यानी दू गो क्या है, एक नंबर है। तो जिसमें संख्या, जैसे त्रिभुज, त्रिभुज अगर हम लिख रहे हैं त्रिभुज, तो त्रिभुज में आ रहा है त्रि यानी तीन, संख्या आ रहा है। तो जिस शब्द में संख्या आ जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विगु समझ, त्रिभुज, चतुर्भुज, चौकोर, ठीक है, ये सब हो जाएगा। यहाँ त्रिदेव, तिरंगा में तीन रंग होता है, ठीक है, नौ रत्न, ठीक है, यहाँ पे नौ यानी नाइन आ रहा है, जिसमें संख्या आए उसे द्विगु समास। और कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, ध्यान से इसको समझिएगा, कई बार पूछा गया, ऐसा समाज समास, ठीक है, मान लीजिए कि एक शब्द हो गया जिसमें दूसरा शब्द पहला वाले के बारे में बताए, जिसमें दूसरा शब्द पहला वाले के बारे में बताए, जैसे नीलकंठ, इसका मतलब होता है नीला है कंठ जिसका, यहां मतलब क्या हुआ इसका, नीला है कंठ जो, देखिए कंठ विशेषता बता रहा है कि कंठ कैसा है, नीला है, तो दूसरा वाला कंठ बता रहा है कि ये कंठ कैसा है, नीला है, तो कंठ नील एक विशेषता है कि नहीं, ठीक है, यानी दूसरा वाला शब्द पहला वाला का विशेषता बताता है। यहां देखिए अधमरा, मरा तो ठीक है लेकिन आधे मरा, ठीक है, आधा मरा, तो बताइए मरा किसका विशेषता बताए, अध का, यानी आधा मरा हुआ है। यहां देखिए लौह पुरुष, पुरुष कोई विशेषण नहीं है, ठीक है, लेकिन लौह देखिए यहां पे पुरुष कैसा है, लोहे के जैसा है, लौह के जैसा है, तो लौह है वो विशेषता, उसके बारे में क्वालिटी बताया कि नहीं, कि पुरुष तो है लेकिन किस प्रकार, वाह लोहे के समान पुरुष है, तो ये वाला सेकंड वाला किसके बारे में बता रहा है, पहले वाले के बारे में बताए, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समास समझ में आया होगा।